संक्रांति की आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। तो संक्रांति हो और आप गुड़ और तिल न खाएं तो वो अधूरी ही मानी जाती है। तो इस बार मेरा मन था कि आपके साथ मैं कुछ नया शेयर करूं, तो मैं आपके लिए इस बार लेकर आई हूं तिल और गुड़ के पराठे। ये पराठे आपसे ऐसे फूलेंगे भी और घर में सब आपकी तारीफ भी करेंगे। तो इसके सारे टिप्स जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो पराठा बनाने के लिए हम पहली शुरुआत करते हैं आटा गूंथने से। तो यहाँ आप ले लें 2 कप आटा, गेहूं का आटा, और फिर आप उसमें डाल दें 1/4 चम्मच नमक, और फिर आप उसमें डाल दें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। घी और नमक को आप पहले अच्छे से आटे में मिला लें। तो ये जो घी हमने डाला है, इससे रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो अगर आपके पास आटा पहले से गूंथा रखा हुआ है तो आप वो आटा भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आटा आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो पहले आप उसे पराठा बनाने के 1 घंटा पहले निकाल लें और हाथों से उसे मसल कर अच्छा मुलायम कर लें। तो यहाँ पर मैंने फिर इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी आपको तब तक मिलाना है जब तक आटा एक साथ ऐसा बाइंड ना होने लग जाए। और ये देखिए, आटा पूरा अच्छे से जुड़ने लग गया है। तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मिलते रहे, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ आटा ऑलमोस्ट हो गया है। आप हाथ में हल्का सा पानी ले लें, तकरीबन 1 चम्मच, और फिर इसे इस तरीके से अच्छे से गूंथ लें। आटे को आप जितना अच्छे से गूंथेंगे पराठे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। इस पराठे से आप चपाती, फुलके, कुछ भी बना सकते हैं। तो आटा गूंथने में आपको तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे। ये आटे को अब हम ढककर रख देते हैं और फिर बनाते हैं पराठे के अंदर डालने वाली फिलिंग। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है गुड़। तो गुड़ आप पाउडर वाला गुड़ यहाँ पर बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। आप कुछ इस तरीके का गुड़ आता है मार्केट में, आप वही यूज करिएगा। तो मेरे पास ऐसे ग्रेटर था, तो उसके बड़े वाले ग्रेटर से आप उसे अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब हम पराठे बनाएंगे वो पराठे फटेंगे नहीं। तो ये तकरीबन 1/2 कप यहाँ पर मैंने गुड़ लिया हुआ है, ग्रेटेड गुड़ है। तवा को रखिएगा आप लो फ्लेम में और उसमें फिर डाल दीजिएगा 1/2 कप तिल। तिल को हमें यहाँ पर रोस्ट करना है। जब इसमें पॉपअप की आवाज आने लगे और ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप तिल यहाँ फ्रेश ही लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ तिल है तो आप उसे टेस्ट करके देख लीजिएगा कि कहीं वो कड़वे तो नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप मूंगफली। मूंगफली को भी आप रोस्ट कर लीजिएगा और रोस्ट करके आप उसे अलग से रख लीजिएगा। तो जब तिल आपका कुनकुना गरम हो तभी आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से पीस लीजिएगा, क्योंकि ठंडे जो तिल होते हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। तो कुछ लोगों को मूंगफली के जो ये छिलके हैं ये कैसे निकालते हैं ये नहीं पता होता है। तो आपको ये कटोरी लेके इसे अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, फिर हाथों की सहायता से उसके छिलके अलग कर लीजिएगा। अब इसे भी आप सेम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लीजिए जिसमें हमने तिल पीसा था। और मूंगफली को हमें बहुत ही बारीक पीसना है जब तक इसमें थोड़ा सा तेल सेपरेट ना होने लग जाए। ये देखिए, थोड़ा ये हल्का इसमें से तेल निकल चुका है। तो इस स्टेज तक हमें इसे पीसना है। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा। तो तवे में आप डालिएगा 2 चम्मच घी, और घी जब थोड़ा सा पिघलने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। जी हाँ, बेसन से इस पराठे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बेसन को आपको अच्छे से भूनना है घी के साथ। तो 10 मिनट में ही ये जो बेसन है वो अच्छे से भून जाएंगे। जब इसमें से अच्छी सी बेसन की खुशबू आने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बेसन अच्छे से हो चुका है। पराठे में अच्छे फ्लेवर के लिए आप ले लें 2 से 3 इलायची और 1/4 जायफल। अगर आपके पास जायफल नहीं है तो आप यहाँ पर सौंफ का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे आप अच्छे से इस तरीके से कूट लें। आप चाहे तो इसे तिल के साथ भी मिक्सर में पीस सकते हैं। तो अब सारी चीजें अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ 1/2 कप गुड़ की जगह 3/4 कप गुड़ भी ले सकते हैं, पर मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं पसंद है इसीलिए यहाँ पर मैं 1/2 कप गुड़ ही यूज कर रही हूँ। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से मिला लें। तो बेसन जो है वो हल्का सा गर्म है तो उसके साथ जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो गुड़ होता है वो हाथों के गर्मी से भी थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये तब तक मिक्स करना है जब तक अगर आप इसे पकड़े तो ऐसा ये लड्डू का शेप बनने लग जाए। आप इसे लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, बट अभी हम पराठा बना रहे हैं तो अब हम पराठा ही बनाते हैं इसका। तो स्टार्टिंग में जो हमने आटा गूंथ के रखा था वो अभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा।
तो नॉर्मली हम लोग पराठा बनाने के लिए जितना आटा लेते हैं, आप उतना ही आटा अपने हाथों में लें और उसे कुछ छोटा ऐसा गोल आकार दे दें। आप चाहें तो इसे बेल के भी दे सकते हैं, पर मैं इसे हाथ से ही कर लेती हूँ। और फिर उसमें आप डाल दें ये जो हमने बना के मिक्सचर रखा हुआ था। तो अगर आटा आपके हाथ से चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ले लें हाथ में पहले। और ये देखिए, मैं इसे कुछ पोटली का शेप दे रही हूँ, जैसे हम स्टफ पराठा बनाते हैं, आलू पराठा या गोभी पराठा। तो इसका जो एक्स्ट्रा आटा है मैं उसे नहीं निकालती हूँ, उसके साथ ही इसमें लगा दी हूँ। और फिर इसे हाथ से फिर से हल्का सा गोल शेप दे रही हूँ। और फिर आप इसमें लगा लें थोड़ा सा सूखा हुआ आटा, ताकि ये बेलने के वक्त बिल्कुल भी ना चिपके। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आप इसे प्रेस करके बिल्कुल भी मत बेलिएगा। आप इसे बिल्कुल हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से बेलते जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई स्टफ पराठा बना रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इसे बहुत छोटे छोटे पराठे ही बनाएं। अब मुझे ये पराठे बनाने की आदत है, इस वजह से मैं इसे बड़े पराठे बना रही हूँ। तो पराठा आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि जो आटा हमने गूंथ के रखा था वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, उसमें बहुत अच्छा लचीलापन आ चुका है। इसका मतलब उसमें जो ग्लूटेन है वो बहुत ही अच्छे से बन चुका है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पराठे को सेकना कैसे, ताकि सारे पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से फुले फुले बने। तो तवा को रखिए आप मीडियम टू हाई फ्लेम में, और जब वो गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए पराठे। तो अगर आप कोई रोटी का तवा या फिर लोहे का तवा यूज कर रहे हैं तो आप उसमें पहले घी डाल दीजिएगा, नहीं तो पराठे चिपक जाएंगे। तो यहाँ मैं नॉनस्टिक तवा यूज कर रही हूँ। अब पराठा एक साइड से थोड़ा सा पक कर रेडी हो चुका है, तो आप उसे पलट दें। पलटने के बाद आप उसे एक मिनट दूसरे साइड से भी थोड़ा सा पकने दें। और फिर आप उसमें डाल दीजिए शुद्ध देसी घी। आप यहाँ पर कोई भी तेल का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि घी और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल भी रहा है। तो अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो सारे पराठे इसी तरीके से बहुत ही फूले हुए बनेंगे। तो इसे मेरी नानी बोलती थी कि ये बहुत ही खुशखुश पराठे हैं। अब मुझे खुशखुश का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं पता कि उसे क्या बोलते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, स्पेशली ये ठंडी में। और संक्रांत में तो स्पेशली हमारे घर में बनता ही है। आप इसे किनारे से भी अच्छे से पका लें। ये पराठे खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो आप ये पराठे एक बार बना के जरूर देखिएगा और मुझे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और एक बात और बताइएगा कि संक्रांत में ही पतंग क्यों उड़ाई जाती है। मुझे तो इसका जवाब पता है, पर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि गुड़, तिल और पतंग का क्या रिलेशन है। तो मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।